जय भीम, जय भारत। बोलता है, प्रिय बंधुओं, मैं बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए एवं उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह दूसरी कड़ी है और मुझे आशा है कि जैसे पहली कड़ी आपको पसंद आई थी, उसी प्रकार दूसरी कड़ी भी आपको पसंद आएगी। और सहिष्णुता, जो कि भारत का गहना माना जाता है, उसी सहिष्णुता के साथ आप सब, चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष से हो, बाबा साहेब के भाषणों को उसी सहिष्णुता के साथ लेंगे और इन भाषणों को सुनते समय आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारे भारत, ये सारे भाषण बाबा साहेब द्वारा जो दिए गए हैं, वे भारत की एकता को बनाए रखने के लिए और समानता को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। तो मैं पहली कड़ी से दूसरी कड़ी में जाता हुआ आपके सामने भाषणों को आगे बढ़ाता हूँ। यह भाषण जो हम पहली कड़ी में पढ़ रहे थे, यह 1935 में 31 अक्टूबर यावला नासिक में दिया गया था। इस पे प्रस्ताव कुछ रखे गए थे महार परिषद में और आगे बाबा साहेब बात कर रहे थे कि धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। आगे चलते हैं। सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए संघर्ष। मैंने हमारे लोगों पर होने वाले अत्याचारों की बातें की हैं। मनुष्य के गुण या दुर्गुण के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। एक आदमी पर होने वाले न्याय या अन्याय का प्रश्न नहीं है। अस्पष्टता का प्रश्न वर्ण आश्रम से संबंध रखता है। समाज में स्पर्श और अस्पर्शियों का झगड़ा है। एक वर्ण के दूसरे वर्ण पर किए गए न्याय और अन्याय से किसका संबंध है? वर्ण आश्रम का यह कलह सामाजिक दर्जे को प्राप्त करने वाले संघर्ष से इसका संबंध है। एक वर्ण को दूसरे वर्ण के साथ किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, यही इस कलह का आधार है। हम लोग स्पर्श लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करने वाले अधिकार को मांगते हैं। इसलिए यह झगड़ा है। अगर अस्पर्श चपाती खाता है, अच्छी वेशभूषा को धारण करता है, पीतल के बर्तनों में खाना पकाता है या पानी भरता है और घोड़े पर बैठकर बारात को चढ़ाता है, तो इससे स्पर्श लोगों की कोई हानि नहीं होती। इस सारे खर्च को हमारे मनुष्य अपनी गाड़ी कमाई से कमाए हुए पैसों से करते हैं, लेकिन स्पर्श लोग ऐसा करने पर अत्याचार क्यों करते हैं? इसका एक ही कारण है, वह यही है कि ऐसी समानता का आचरण करना अपमान समझा जाता है। हम लोगों को नीच समझा जाता है, अपवित्र समझा जाता है। समाज के अधस्तर में रहेंगे तो हम लोगों पर अत्याचार जारी रहेंगे। अगर हमने इस प्रकार के अमानवीय जीवन से ऊपर उठने का प्रयत्न किया तो हमारे प्रयत्नों को निरर्थक करेंगे। यही दोनों में कलेश या संघर्ष का कारण है। जब तक हिंदू धर्म है तब तक अस्पष्टता रहेगी। ऊपर की बातों से यह प्रमाणित होता है कि अस्पष्टता केवल अनुषांगिक या आकस्मिक या नैमित्तिक नहीं है, बल्कि नित्य यानी सदा रहने वाली है। क्योंकि जिस धर्म के कारण आपको निचली सी सीढ़ियों पर रखा गया है, इस धर्म को पालने वालों का कहना है कि उसका यह धर्म सनातन है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह स्पर्श अस्पर्श विवाद सदा रहेगा। इस कलह से निपटारा किस प्रकार हो, यही हम सबके सामने एक महान प्रश्न है। जो लोग स्वाभिमान और समता के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रश्न की जटिलता का हल करने के सिवाय उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी झगड़े में जो शक्तिवान है उसी की विजय होती है। जो शक्तिमान नहीं है या असमर्थ है,
उन्हें यश पाने की इच्छा भी नहीं हो सकती। इस झगड़े से अपने आप को छुटकारा पाने की शक्ति आप में है या नहीं? मानव समाज में 3 प्रकार की शक्तियां होती है। एक है मनुष्य बल, दूसरा है धन बल और तीसरा है मानसिक बल। भारत में मनुष्यों की संख्या के आधार पर आप अल्पसंख्यक में हैं। बामणी बानी हिंदू जाति पाति के कारण आपस में संगठित नहीं हैं। इसके अलावा हर गांव में जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपके पास व्यापार नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई व्यवसाय या उद्योग नहीं है, नौकरी नहीं है, भूमि भी नहीं है। मनोबल का नितांत अभाव है। स्पष्ट लोगों के अभद्र व्यवहार के कारण और उनकी सदा ही सेवा करते रहने के कारण और निरंतर आपके साथ घृणा का आचरण करने के कारण आप में प्रतिशोध की भावना नष्ट हो गई है। आपके चारों ओर निराशा ही निराशा का वातावरण है। अगर आपको इस निराशापूर्ण जीवन से ऊपर उठना है तो यह धर्म परिवर्तन से ही होगा। शक्ति संपादन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। वास्तविकता और सच्चाई के कथन से यह प्रमाणित हो गया है कि अगर आप अपनी शक्ति पर निर्भर रहेंगे तो आप इन अत्याचारों का बदला नहीं ले सकेंगे। अगर आप में शक्ति नहीं है इसलिए रोज आप पर अत्याचार होते हैं। गांव में जिस प्रकार महाचमार मांग भंगी के भी 2 ही 4 मकान होते हैं, उसी प्रकार मुसलमानों के 2 4 मकान होते हैं, लेकिन उन मुसलमानों को कोई छेड़ता नहीं है, उन पर कोई अत्याचार करने का धैर्य नहीं करता, लेकिन आप पर अत्याचार सदा ही होता रहता है और हिंदू आप पर अत्याचार करना अपना धर्म समझते हैं। इसका कारण यह है कि मुसलमानों के घरों के पीछे भारत का सारा मुसलमान समाज है। इस सच्चाई को हर हिंदू समझता है। आपके संबंध में हिंदुओं को पूर्ण विश्वास है कि आप पर अत्याचार करने पर आपकी सहायता कोई भी नहीं करेगा। आपकी असमर्थता और निस्सहायता के कारण ही आप पर हिंदू लोग अत्याचार करने का दुस्साहस करते हैं। इस सच्चाई से 2 बातें सिद्ध होती हैं। शक्ति के बगैर आप इन अमानवीय अत्याचारों का मुकाबला नहीं कर सकते, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आपके पास शक्ति नहीं है। इन 2 बातों से के सिद्ध होने पर तीसरी बात की सिद्धता या प्रामाणिकता अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। अगर यह सच है तो आपको इस शक्ति को कहीं से आदर के साथ प्राप्त करनी चाहिए। यह शक्ति आपको धर्म परिवर्तन से ही मिलेगी और किसी साधन से नहीं मिलेगी। धर्म परिवर्तन के बिना शक्ति संपादन नहीं हो सकता। जातिवाद और धार्मिक भावनाओं ने इस देश की जनता के मनों पर और उनकी नीतियों पर एक विचित्र सा प्रभाव डाला हुआ है। इस प्रभाव को बनाकर रखने के लिए एक खास वर्ण वाला राजनीतिक सत्ता को अपने ही हाथों में सदा रखने का प्रयत्न करता हुआ आया है। इसी राज सत्ता को प्राप्त करने की आड़ में जाति भेद को येन केन प्राकरेण दूसरे वर्ण पर थोपने का प्रयत्न किया गया है। राज सत्ता और धर्म की सत्ता के भेदों को ऐसा भुलावा दिया गया है कि यहाँ की जनता दुख दरिद्र और क्लेश को स्वाभाविक या प्राकृतिक समझती है। अब इसके लिए उन्हें दुख अनुभव नहीं होता। हर धर्म वाले अपने धार्मिक बांधव या अपनी जाति के बांधवों पर कोई कष्ट आ जाए तो उसके निवारण के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। जिस गांव में अस्पृश्य लोगों पर हिंदू लोग अत्याचार करते हैं वहां पर दूसरे धर्म वालों से पूछा जाता है कि वे आपकी सहायता क्यों नहीं करते, तब वे जवाब देते हैं कि वे आपके धर्म वाले नहीं हैं, इसलिए वे आपके पारस्परिक झगड़ों में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए वे इसकी आवश्यकता भी नहीं समझते। अगर आप उनके धर्म वाले होते तो वे आपकी सहायता अवश्य करते। इस पर आपको एक बात पर विचार करना है। धर्म परिवर्तन करने के अलावा आपको यह शक्ति नहीं मिल सकती। जब तक आप में अपनी शक्ति नहीं है तब तक आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को आज की भांति दीनहीन अवस्था में रहना होगा
और इसी अपमानजनक जीवन को बिताना होगा। इस अपमानजनक जीवन को त्याग कर शक्ति संपादन करना है तो आपको धर्म परिवर्तन करना चाहिए। आत्मोन्नति के लिए धर्म की आवश्यकता है। सांसारिक कारणों के अलावा आध्यात्मिक कारण भी हैं, जिसके कारण धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है। सनातनी हिंदू धर्म के नेता स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिससे सभी पूजा की धारणा हो वही धर्म है। इस व्याख्या को मैं स्वीकार करता हूँ। पूजा की धारणा किस प्रकार की होनी चाहिए? धारणा से तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि दूसरों को नीच, दीनहीन और दरिद्र रखने के लिए साम दाम दंड भेद और नीति का सहारा लिया जाए या न लिया जाए। इस प्रश्न पर खुले रूप में विचार करना चाहिए। इस पर विचार करते समय किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। समाज को ठीक पथ पर डालने के लिए समाज पर प्रतिबंध किस प्रकार के होने चाहिए, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म और अधर्म क्या है? इन दोनों की व्याख्या पर इसका आधार नहीं है, बल्कि प्रतिबंधों के कारण कारणों की व्याख्या या उसके स्वरूप की व्याख्या पर आधारित है। इस प्रकार विचार करने पर समाज और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक संबंध क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविकतया हर एक के मन में उत्पन्न होते हैं। हिंदू धर्म में व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इस धर्म की रचना वर्णों की कल्पना पर की गई है। एक वर्ण वाला दूसरे वर्ण वाले के साथ किस प्रकार मानवता का आचरण करे, इसकी शिक्षा हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि इसमें केवल आदेश है। जिस धर्म में व्यक्ति को प्रधान नहीं माना गया, उसे मैं धर्म नहीं मानता। व्यक्ति के जीवन में समाज की आवश्यकता है। समाज की धारणा केवल धर्म का ध्येय नहीं हो सकता। व्यक्ति का विश्वास ही धर्म का सच्चा धर्म है। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में पड़ने पर उसका लोप हो जाता है, वैसा ही मनुष्य के साथ नहीं है। समाज रूपी समुद्र में व्यक्ति रूपी पानी की बूंद है, लेकिन उसका समाज में पानी की बूंद की भांति है। व्यक्ति का अस्तित्व समाज रूपी समुद्र में लोप नहीं हो जाता। जीवन स्वतंत्र है। उसका जन्म समाज की सेवा के लिए ही न होकर आत्मोन्नति के लिए भी है। इसी कारण सम्मत और संपन्न राष्ट्रों में एक मनुष्य दूसरे को अपना गुलाम या दास बनाकर नहीं रखता और ना ही रख सकता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रधानता न होने के कारण उस धर्म को मैं पसंद नहीं करता। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। यह इतना अमानवीय और अकाल्पनिक है कि स्वतंत्र विचारशील व्यक्ति इस अधर्म को अपनाना नहीं चाहता। हिंदू धर्म में व्यक्ति की उन्नति असंभव है। जिस धर्म में एक जाति को आदेश है कि वह विद्या सीखे, दूसरी जाति वाला शस्त्र धारण करे, तीसरी जाति वाला व्यापार करे और चौथी जाति वाला केवल सेवा करे, ऐसे धर्म को मैं धर्म नहीं मानता। जो धर्म एक को ज्ञानी बनाकर दूसरों को अज्ञान में रखना चाहता है, वह धर्म नहीं बल्कि लोगों को बौद्धिक गुलाम बनाकर रखने वाला मंदिर रूपी जेल खाना कहना चाहिए। जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देता है और दूसरे को निशस्त्र रहने का आदेश देता है, वह धर्म न होकर परतंत्रता की बेड़ी है। जो धर्म कुछ लोगों को धनोपार्जन करने की खुली छूट देता है और दूसरों को अपने जीवनोपार्जन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए आदेश देता है, वह धर्म न होकर कुछ स्वार्थियों का धर्म है। हिंदू धर्म का आधार चतुर्वर्ण है। व्यक्ति की आत्मोन्नति की रक्षा करना या उसके अनुसार वातावरण पैदा करना धर्म का मूल सिद्धांत होता है। अगर हम इस सिद्धांत को मान लें तो हिंदू धर्म में आपकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की उन्नति के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है और वे हैं सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता। हिंदू धर्म में इन तीनों बातों में से एक के लिए भी स्थान नहीं है और खासकर आपके लिए कोई स्थान इस धर्म में नहीं है। ये भाषण बाबा साहेब द्वारा दिया गया था। वैसे तो यह उस समय डिप्रेस क्लासेस अछूत या आज कहें शूल कास्ट उनके लिए था, लेकिन बैकवर्ड कास्ट पर भी यह भाषण जाता है।
और सच कहें तो यह भाषण भारत की हर जाति पर, जो हिंदुओं की जाति है उन पर जाता है, क्योंकि आप देखिए आज कई जातियां हैं जो कि कई क्षेत्रों में पीछे हैं, तो जातिगत तौर पे, परंपरागत के तौर पे वे एक ही व्यवसाय, एक ही चीज को जीवन में करना एक बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि मूर्खपन, मूर्खता कहलाएगी। और मैं बाबा साहेब द्वारा दिए गए सभी भाषणों से, उनके सभी तर्कों से काफी सहमति रखता हूँ, और आप भी सहमति रखेंगे। और एक बार फिर से मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि उनके द्वारा दिए गए भाषण भारत वर्ष के लिए, भारत के प्रत्येक मनुष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, अब जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही अत्यंत ही जरूरी है। एक ऐसे महान पुरुष के, एक ऐसे महान पुरुष के ये वचन है जिन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग दिया देश के लिए और लोगों के लिए। तो उनकी बातों को आप सही सहिष्णुता से और बुद्धिमत्ता के साथ ग्रहण करें और बार बार दोहराएं, कई बार दोहराएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आगे कड़ियां भी पसंद आएंगी। इसी के साथ मैं कड़ी खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।